हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉर्टिसाइट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हॉर्टिसाइट एंट्रेंस एग्जाम होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम कंडक्ट करने का मेन एम क्या है, मेन पर्पस क्या है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, क्लियर करने के बाद आपको कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, हर एक चीज फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। अगर गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर आगे हम जो इन फ्यूचर हॉर्टिसाइट के रिगार्डिंग कोई भी नया वीडियो डालते हैं या उसी के रिगार्डिंग और कोई न्यू इन्फॉर्मेशन डालते हैं हम, तो आपको जो हम वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हॉर्टिसाइट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और डिटेल में जानना। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे हॉर्टिसाइट का फुल फॉर्म देखेंगे। सो गाइस, हॉर्टिसाइट स्टैंड्स फॉर हॉर्टिकल्चर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जी गाइस, उसका फुल फॉर्म है हॉर्टिकल्चर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हॉर्टिसाइट बुलाते हैं। उसी के साथ गाइस, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है हॉर्टिसाइट का, ये एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, यानी कि इसकी ऑफिशियल अथॉरिटी, ऑफिशियल जो ऑर्गेनाइजिंग कंडक्टिंग बॉडी है वो है डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, जो इसकी ऑफिशियल अथॉरिटी है। अब गाइस, हम ये देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर एग्जैक्टली होता क्या है, यानी कि अगर आपको हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट है या फिर आपको नहीं पता कि हॉर्टिकल्चर में होता है क्या, लेकिन आप वो करना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि गाइस, हॉर्टिकल्चर इनडायरेक्टली क्या होता है कि वो एक ब्रांच है प्लांट एग्रीकल्चर का, जिसमें आपको डील करना रहेगा गार्डन क्रॉप्स के साथ, फ्रूट्स के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी तरह के चीज़ों के साथ जो है आपको इनडायरेक्टली जो है डील करना रहेगा, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना रहेगा और डिटेल में आपको उसके बारे में बताया जाएगा। सो गाइस, अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, अगर आप लोगों को जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, लाइक फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में या गार्डनिंग क्रॉप्स में, तो आप जो है हॉर्टिकल्चर के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस, हॉर्टिकल्चर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अगर आप क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो किस किस कोर्सेज में आपका एडमिशन मिल सकता है, मैं वो भी बता दूं। अगर गाइस, आप जो इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, हॉर्टिसाइट के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपको गाइस वेरियस यूजी जो हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज में एडमिशन मिल सकते हैं, वेरियस अंडर ग्रेजुएट हॉर्टिकल्चर के जो कोर्सेज है उसमें आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आपको फ्यूचर अपना जो अपना करियर हॉर्टिकल्चर के फील्ड में बनाना है, तो उसके लिए आपको हॉर्टिसाइट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर होना होगा और हॉर्टिकल्चर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है उसे क्लियर करके आप जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और फिर आगे जो है आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। अब गाइस, हम देखेंगे कि इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है, यानी कि अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपकी एज कितनी रहनी चाहिए, तो गाइस मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स से, आप 17 ईयर्स से जो है आगे बढ़े रहने चाहिए जब जो टाइम पे आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब दूसरा, आप जो इंडियन सिटीजन रहने चाहिए, भारतीय नागरिक आप रहने चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गाइस एग्जाम पैटर्न के बारे में, लाइक आप लोगों का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा, पेन पेपर बेस्ड आप लोगों का जो एग्जाम लिया जाएगा। गाइस, टोटल आपको जो है 200 क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, यानी कि आपको जो टोटल हॉर्टिसाइट के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन टाइप की बात की जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले एग्जाम में, तो गाइस टोटल सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो MCQ टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछाएंगे। एक क्वेश्चन के टोटल 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आपको सिंपली उससे जो है टिक कर देना होगा। नेक्स्ट अभी बात की जाए फिर ड्यूरेशन की, तो गाइस यहाँ पे आपको जो है टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 घंटे में आपको जो है पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ पे अलॉट नहीं किया जाएगा, जितना टाइम आपको दिया जा रहा है 2 आवर्स का, उसी में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। सो गाइस, आई होप कि अभी आप लोगों को जो है हॉर्टिसाइट यानी कि हॉर्टिकल्चर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा, हर एक डाउट आपका क्लियर हो गया रहेगा। अगर फिर भी और कोई डाउट है और कोई डिटेल्स आपको जाननी, तो आप भेजिए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपकी जो मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।